Bismillahir Rahmanir Rahim, we are going to start Project Charter. In this lesson, what we are going to learn, we are actually going to learn about a formal document. एक formal document के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं formally authorize कर देते हैं एक project को या एक project की किसी phase को और proper उसका initial setup या उसको initiate करने के लिए हम इस formal जो है document को बनाते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा ताकि हम एक प्रोजेक्ट को या उस प्रोजेक्ट की एक फेज़ को, ठीक है, फॉर्मली स्टार्ट कर सकें. इस प्रोजेक्ट में हम डॉक्यूमेंट करते हैं बेसिकली अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स को, जिसकी जो के फाइनलाइज की जाती हैं स्टेक होल्डर की प्रॉपर एक्सपेक्टेशन और नीड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद. सबसे पहले स्टेक होल्डर हमें बताता है, स्टेक होल्डर वो पर्सन होता है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है हमारे प्रोजेक्ट के साथ. अब क्या है कि स्टेक होल्डर ने अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताई, हमने उनके साथ डिफरेंट मीटिंग्स की. मीटिंग्स करने के बाद जो रिक्वायरमेंट हमारी इनिशियल होती हैं, जो फाइनलाइज की जाती हैं, हम उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं. तो प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जिसमें एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट डिवेलप किया जाता है. उस फॉर्मल डॉक्यूमेंट को डिवेलप करने से पहले आप ये कह सकते हैं कि हम एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं, एक एग्रीमेंट को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि किसी भी फेज पर हमें किसी भी प्रॉब्लम जो है उसे फेस ना करना पड़े. स्टेक होल्डर को भी पता हो कि ये मेरी इनिशियल रिक्वायरमेंट थी जिसको मीटिंग्स के बाद फाइनलाइज किया गया है, और जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सर्विस प्रोवाइड करिए वो भी बेहतर तरीके से उस सर्विस को प्रोवाइड कर सके. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इसमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं. उस डॉक्यूमेंट को फॉर्मली हम लोग जो है बनाने के बाद अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. अब उसमें हम करते क्या हैं, उसमें हम नोट डाउन करते हैं इनिशियल रिक्वायरमेंट्स को. बेसिकली क्या है, ये एक पार्टनरशिप है, एक पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट है किसके दरमियान, आपके क्लाइंट के दरमियान, ठीक है, जिसने आपसे अपनी जो सर्विस लेनी है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस सर्विस को प्रोवाइड करना है. अब जब ये प्रोजेक्ट चार्टर फॉर्मली जो है अप्रूव हो जाता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, दो पार्टीज़ कौन सी हैं, प्रोजेक्ट चार्टर को बनाने अप्रूव करने वाली दो पार्टी, एक क्लाइंट है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके बाद आप फॉर्मली प्रोजेक्ट जो है आप इनिशिएट कर देते हैं, फॉर्मली उस फेज को या प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट की स्टेटमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली इसमें प्रोजेक्ट चार्टर में हम क्या चीज़ कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, मेनटेन कर रहे होते हैं, किस चीज़ को हम लोग एक इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट चार्टर को राइट करते हैं और मेंटेन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जितनी भी जॉब्स हैं उनको नोट डाउन करते हैं, उनका जो है हमारे पास हमने उन्हें लिस्ट आउट करना होता है. ठीक है, उसके बाद अब हमने नेक्स्ट भी क्या होता है कि हमारा बेसिकली ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो यूटिलाइज़ करता है. अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो किस चीज़ के लिए इसे यूटिलाइज़ करता है, इसको मैनेज करने के लिए उन तमाम एक्सपेक्टेशंस को जो एक स्टेक होल्डर को हैं सर्विस प्रोवाइडर के साथ. सो हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट चार्टर बनाया है और उसको बना के हम मेंटेन करते हैं साइड बाय साइड, किस लिए, ताकि किसी भी फेज पे, किसी भी लेवल में पे स्टेक होल्डर और प्रोजेक्ट मैनेजर उसे यूटिलाइज कर सके प्रॉपर मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए. प्रॉपर एक फॉर्मल और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सके और उस पर काम कर सके. बेसिकली एक प्रोजेक्ट की डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, कि हमें पता हो, प्रॉपर गाइडलाइंस इसमें बताई जाती हैं कि हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसमें इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेक होल्डर या आपका जो जिसको आप क्लाइंट कह रहे हैं उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसको प्रॉपर आपने नोट डाउन किया है आफ्टर फाइनलाइजिंग देम एंड गेट इट साइंड, जो कि दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्रूव किया जाता है. अब क्या है, बेसिकली ये ओवरऑल प्रोजेक्ट का एक समराइज्ड व्यू है कि बेसिक इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी फेजेस होंगी, मल्टीपल फेजेस हैं, उनके कौन से मेन पार्ट्स होंगे, कौन से सब पार्ट्स होंगे, स्टेक होल्डर की डिमांड क्या है क्लाइंट से, ठीक है, और वो डिमांड्स जो हैं वो प्रॉपर एग्री करके डॉक्यूमेंट बनाया गया है. उसमें प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे, कितने टाइम स्पैन में कंप्लीट किया जाएगा, उसकी कंप्लीट वर्किंग बताई जाएगी और किस फेज पे आप कौन सा डिलीवरेबल जो है अपने क्लाइंट को देंगे, ये तमाम डिटेल्स किस में दी जाती हैं, प्रोजेक्ट चार्टर में.
अब ये कब बनाया जाता है? इट इज़ एक्चुअली क्रिएटेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जब ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को या उसकी फेज़ को इनिशिएट करते हैं. सो हम इसको कब बनाते हैं? एट द बिगनिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट. अब उसके बाद हम इसको अप्रूव कराएंगे और फाइनली उसका जितना भी काम हमने स्टार्ट करना है उससे यू शुड वी मस्ट गेट इट साइंड. हम इसे साइन करवाएंगे, अप्रूव कराएंगे, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इनिशिएट कर सकें. ठीक. सो प्रोजेक्ट चार्टर, अभी तक जो समझ आया है इसको कोई वन या टू लाइंस में समराइज करके मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट चार्टर बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है. व्हाट इज अ प्रोजेक्ट चार्टर? एनी वन ऑफ यू? हरी अब, यमुना, आमना, राना अली, हुसना, मोहम्मद साद, गुले सहर, any one of you? बेटा प्रोजेक्ट चार्टर हम पढ़े हैं बेसिकली क्या है? ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हुए क्रिएट किया जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको मेंटेन किया जाता है. ठीक है. अब हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर के अप्रूवल के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ऑफिशियल कोई अथेंटिकेशन नहीं रखता. सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. सो वेक अप क्लास, यू मस्ट बी विद मी. ठीक है, आपको क्लास को मेरे साथ होना है, आपको अंडरस्टैंड करना है. जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहीं पे दोबारा से मैं पूछ सकते हैं. अच्छा जी, अब हमें प्रोजेक्ट चार्टर जब हम बनाते हैं तो बेसिकली उसके लिए फाइव मेजर इनपुट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनमें शामिल हैं प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, SOW. ठीक है, सॉ भी इसको कहते हैं SOW, स्टेटमेंट ऑफ वर्क. प्रोजेक्ट का जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, जिसको आप कह सकते हैं कि नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें इस बिजनेस प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत क्या है, उसका स्कोप क्या है. ठीक है, बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में हम वो डिफाइन करते हैं. द ब्रीफ समराइज ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ वर्क में. दूसरा इंपॉर्टेंट इनपुट होता है बिजनेस केस, यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं आप उसका केस तैयार करते हैं. तीसरी चीज़ आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट. नंबर फोर्थ इनपुट फॉर अ प्रोजेक्ट चार्टर इज एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, वो तमाम फैक्टर्स हमने कैटर करने होते हैं कि जिनको हमें टेकअप करना होता है व्हेन वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द फिजिबिलिटी. जब हमने एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट फिजिबल एनालिसिस करना होता है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज होंगे, कौन से हमारे पास प्रोसेस एसेट्स हैं जिनको हमने टेक केयर करना है व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट चार्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बिजनेस केस. बेसिकली बिजनेस केस क्या करता है, ये जस्टिफाई करता है किस चीज़ को, प्रोजेक्ट को. एंड जब ये इनिशिएट किया जाता है, बेसिकली इनिशिएटर लेके आता है इसको, बिजनेस केस को. इनिशिएटर कौन है? हु इज़ वर्किंग ऑन द डिमांड, के जो डिमांड का एनालिसिस करके सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है. बेसिकली हु इज़ वर्किंग ऑन दैट, वो एक बिजनेस केस तैयार करता है. बिजनेस केस तैयार करके बेसिकली आपका एक स्पॉन्सर है जिसने एक्चुअली प्रोजेक्ट की जो क्यूरी है वो इनिशिएट की है. ठीक है, सो बिजनेस केस जस्टिफाई करता है प्रोजेक्ट को और बेसिकली ये इनिशिएटर लेके आता है, ये तैयार करता है समरी को. इन सम ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बिजनेस केस जो है वो प्रोजेक्ट चार्टर के साथ साथ साइड बाई साइड डेवलप किया जाता है. मतलब हम उसके प्रोस एंड कॉन्स को आफ्टर सम स्टेज जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट इनपुट है जो हमने पढ़ा है अभी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन इनपुट इफ द प्रोजेक्ट इज बींग परफॉर्म फॉर एन एक्सटर्नल कस्टमर. बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट तब करते हैं जब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसी एक्सटर्नल कस्टमर के साथ के लिए हम बना रहे होते हैं. हमने एक्सटर्नल कस्टमर की डिमांड को जो है वो फुलफिल करना होता है. ठीक है, अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ वर्क. ठीक है, दैट ऑल्सो प्रोवाइड कंडीशंस विच मे रिजल्ट इन प्रोजेक्ट
टीम कॉन्स्ट्रेंट्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने पहली चीज इन योर प्रीवियस स्लाइड हमारे पास फाइव इनपुट्स थी. पहली थी स्टेटमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है बिजनेस केस, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट. हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करें. स्टेटमेंट ऑफ वर्क में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या है स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो है ये आपका बिजनेस नीड प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट के स्कोप को डिफाइन कर रहा है. तो हम अभी जो बात करें कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट तब बनाते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट यूजर जो है वो एक एक्सटर्नल कस्टमर है. ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क के साथ साथ आपका सम टाइम जो है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ कंडीशंस जो है उनको जो है इलैबोरेट कर रहा होता है. वो कंडीशंस क्या होती है, वो कंडीशंस आपके प्रोजेक्ट की टीम कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती है. लाइक आपका प्रोजेक्ट जो है पर्टिकुलर कौन सी स्किल्स उसमें फैसिलिटेट की जाएंगी, कौन से पीपल होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, कौन से टूल्स होंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट के आपके प्रोजेक्ट की टीम कॉन्स्ट्रेंट्स कौन सी हो सकती हैं. अब हम लोग फोर्थ इनपुट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब हमने जब हमने हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली पढ़े कि हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है. प्रोजेक्ट चार्टर के लिए हमारे पास पांच इनपुट्स होती हैं. पहले हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ वर्क देखा, फिर बिजनेस केस देखा, तीसरी इनपुट थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट, और फोर्थ इज एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. बेसिकली ये वो फैक्टर हैं जो कि हमारे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. हमने प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है, जब हमने प्रोजेक्ट बनाना है वो डिफरेंट प्रोसेसेस पे बेस करेगा. अब हमारी वर्किंग एक स्पेसिफिक फैक्टर्स से मुतासिर हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है. अब वो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोजेक्ट टीम के ऑप्शंस लिमिटाइज कर दी जाएँ, हमें प्रॉपर ऑपरेशनल कंडीशंस या रूल्स के अंदर रह के काम करना हो. ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्रोसेस की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं. ठीक है, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर, जिस कंपनी का, जिस कस्टमर का प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उनके कुछ रूल्स होंगे, उनकी कुछ लिमिट्स होंगी. ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं. ठीक है, अब अगर आप प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप करने जा रहे हैं, आप उस प्रोसेस में हैं, तो कौन से फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स कैन इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, आपके पास गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, आपको उन्हें फॉलो करना ही करना है. फॉर एग्जांपल हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉज जो हैं वो ओपन किए जाते हैं, वर्किंग कंडीशंस में आते हैं. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉज जो है उनका सारा वर्क सिनेरियो हम फॉलो करते हैं. ठीक है, हमें उनको ऑपरेशनल बनाने के लिए गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस को फॉलो करना पड़ता है. मार्केटप्लेस की कंडीशंस क्या हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, आप किस टाइप का रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं. ये वो सब फैक्टर्स हैं जिनको हमने टेक केयर करना होता है. किसमें, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर. ये वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि जब प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जहां बनाया जाएगा, जहां इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहां पे किस टाइप के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसकी इंफॉर्मेशन किसमें दी जा रही है, हमारे प्रोजेक्ट चार्टर में. द फोर्थ थिंग, फिफ्थ थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स. जी हेलो, इज देयर एनी क्वेश्चन? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ये फिफ्थ इनपुट है जो कि हम देने जा रहे हैं किसको, प्रोजेक्ट चार्टर को. इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हमारी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की एक एड है, एक मदद है, एक हेल्प है. बेसिकली हम जब डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर को, उसमें डिफरेंट टैम्पलेट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स को देखना है, प्रोसेसेस को देखना है, प्रोसीजर्स को देखना है, उसकी तमाम जो मैनुअल या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो कि हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती है, वो तमाम कंबाइनली जो है हमारी कहलाती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट. ये कब हमें चाहिए होते हैं, बेसिकली हमें, हम जिस भी प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो प्रोसेसेस हैं उनको डीपली स्टडी करना है. क्यों? ताकि हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप कर सकें.
क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स पे काम कर रहे होंगे, उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स होंगे. हमें उन्हें डीपली स्टडी करना है और उनसे रेलेवेंट जो ऑल बेसिक एंड मेजर इंफॉर्मेशन है उसको हमने प्रेजेंट करना है. किसमें? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में. बेसिकली द थीम इज दैट. ठीक है, आपको समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं बेटा. नो मैम, नो क्वेश्चन. हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट वी आर स्टडीइंग? What we are learning, tell me. Ma'am, project charter. Project charter क्यों बनाया जाता है? मैम इसमें ना हम जो हमारा क्लाइंट है उससे रिक्वायरमेंट लेके उसे लिस्ट डाउन करते हैं, समराइज करते हैं, फिर उसके बाद इसको जब ये अप्रूव हो जाता है तो फिर इस पे हम काम करते हैं. इसमें हम उससे डिफरेंट. बिल्कुल ठीक, आप सही बता रही हैं. इसमें हम इसके साथ मैम डील करते हैं, जब समराइज हो जाता है उसको दिखाते हैं कि ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, फिर उस हिसाब से हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो आगे लेके चलते हैं. Now we are going to learn about the tools and techniques that will be used to develop the project charter successfully. Basically, expert judgment. Expert judgment एक जो most frequently used technique है ना, वो सबसे ज़्यादा frequently used होती है. Expert judgment. क्या होगी expert judgment? Anyone of you who knows about judgment का तो पता होगा expert judgment. एक्सपर्ट जजमेंट नाम से अगर आप अंडरस्टैंड करें इस कॉन्सेप्ट को, बेटा पार्टिसिपेट करें, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा. बेसिकली कोई बताएगा, बताएंगे मैम यूजर की रिक्वायरमेंट को जो जज करना है उसके अंदर एक्सपर्ट होना, उसको एक्सपर्ट होना. एक्सपर्ट जजमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है, कोई इंडिविजुअल भी दे सकता है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी दे सकते हैं. बट ये होने कौन चाहिए? ये वो पर्संस होने चाहिए जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का या प्रोजेक्ट का जो कि डिलीवर होने जा रहा है. इम्पॉर्टेंट थिंग ये है. अब जैसे एक्सपर्टीज जो हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं? आपके और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे यूनिट्स हैं वो आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सपर्टीज. आपके स्टेक होल्डर कर सकते हैं, आपके स्पॉन्सर्स कर सकते हैं, आपके कंसल्टेंट्स कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस वाले कर सकते हैं. ये वो पर्सन्स हैं जो कि एक्सपर्ट जजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वेदर यू आर मूविंग ऑन अ राइट पाथ, वेदर यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ, योर वे इज परफेक्टली ऑल राइट. ठीक है, अब आपके पास, अब हमने देखा कि पहले हमने देखा इनपुट क्या होगी, यानी प्रोजेक्ट चार्टर में क्या कौन सी पांच चीज़ें आएंगी उनको स्टडी किया है. उसके बाद हमने कहा कि इसमें कौन लोग हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट चार्टर को सही तौर पर परख सकते हैं, जान सकते हैं, वो क्या है? एक्सपर्ट जजमेंट. अब एक्सपर्ट जजमेंट कौन प्रोवाइड कर सकते हैं? दूसरे यूनिट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना पार्ट है, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस वाले हो सकते हैं. अब हमने देखना है कि टिपिकली एक प्रोजेक्ट चार्टर में कौन से सेक्शंस होने चाहिए. पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने गोल्स डिफाइन करने हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बना के कौन सा गोल हम अचीव करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कितना स्मॉल प्रोजेक्ट होगा, कितनी फेजेस होंगी, कौन सी फेज के एंड पे कौन सा डिलीवरेबल जो है वो ऑडियंस को मिलेगा, आपके की स्टेक होल्डर्स वो कौन से पीपल हैं जिनका जो इससे डायरेक्ट बेनिफिट लेंगे. कुछ लोग डायरेक्ट एसोसिएटेड होते हैं बेनिफिट से, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर है, लाइक उन्होंने कोई
हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी फॉलो करनी है, ठीक है, लेकिन उनको बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट इदारे हैं, हम एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ बेनिफिट जो है वो उनको देंगे, ठीक है, और डायरेक्ट बेनिफिट वो होगा जो कि इदारे में टेक पार्ट करें। अब आपकी एजम्पशंस क्या हैं, आप कौन कौन सी चीज़ लिस्ट डाउन करते हैं, ठीक है, आप जो कि उनमें से बेसिकली गेट करना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर वर्किंग में से, आपकी लिमिटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं लिमिटेशंस को, यानी ये काम करना है और ये काम नहीं करना, ठीक है, दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट्स। इनिशियल रिस्क, आपका रिस्क जो है फाइनेंस से रेलिवेंट भी हो सकता है, स्किल से रेलिवेंट भी हो सकता है, आपके पर्सोनल्स यानी पीपल हु आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट वो भी रिस्क के अंदर आ सकते हैं, कि पर्टिकुलर काम करने के लिए आपके पास उसकी स्किल है या नहीं है, आपके पास ये रिस्क भी आ सकते हैं। सो प्रोजेक्ट चार्टर में कौन सी चीज़ें हैं, गोल्स हैं, स्कोप है, डिलीवरेबल यानी कि इस फेज पे कौन सी आपने डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीवर करना है, आपके कौन से मिस्टेक होल्स हैं, कौन सी रिस्क हैं, कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, स्केजुअल एस्टिमेट, आपने कौन सा काम कितने टाइम में कम्प्लीट करना है, स्केजुअल बना के देना है जिसको लोग शेड्यूल भी कहते हैं, ठीक है, आपका इस प्रोजेक्ट को बनाने में कॉस्ट एस्टिमेशन यानी कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना खर्चा आएगा, आपका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है। सक्सेस क्राइटेरिया हर एक का डिफरेंट होता है, कोई प्रोजेक्ट का इफेक्टिव वर्किंग चाहता है, कोई प्रोजेक्ट की जो है टाइमली वर्किंग चाह रहा है, कोई प्रोजेक्ट का, हर एवरी पर्सन हैज़ द डिफरेंट सक्सेस क्राइटेरिया, बट इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट चार्टर। एंड फाइनली द प्रोजेक्ट चार्टर मस्ट गेट सिग्नेचर्स फ्रॉम बोथ पार्टीज, क्लाइंट एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल थिंग्स। अब जो हमारे प्रोजेक्ट चार्टर का आउटपुट होंगे, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक आउट ऑफ इट, हमारा प्रोजेक्ट का पर्पस ऑफ जस्टिफिकेशन, कि हमने प्रॉपर जस्टिफाई करना है कि व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, वो हमें किससे मिलेगा, प्रोजेक्ट चार्टर से। हमें मेजरेबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, हमें मेजरेबल इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनको टारगेट ना किया जा सके, जिनको एस्टिमेट ना किया जा सके, कि जिनके बारे में कुछ कोई मेजरमेंट ना की जा सके, यानी किस टाइप का ये ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो एक्यूरेट होगा, क्या एक्यूरेसी मेजरेबल है, क्या एक्यूरेसी को मेजर किया जा सकता है, क्या इसको कोई फार्मूला से कैलकुलेशन हो सकती है। सो बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, पर्पस, ठीक है, पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट या जस्टिफिकेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, हाई लेवल की रिक्वायरमेंट्स, हाई लेवल इसलिए कहा जाता है जो कि ऑलरेडी मीटिंग्स के बाद गेट इट फाइनलाइज की जाती है, कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उनको प्रॉपर फाइनलाइज, अच्छा जो फॉर्मल वे में प्रेजेंट किया जा सकता हो। उसके बाद प्रोजेक्ट की प्रॉपर हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, हाई लेवल रिस्क यानी मेजर रिस्क जो है, समरी ऑफ द कम्प्लीट स्केजुअल और फिर उसका बजट, ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, दीज आर द आउटपुट्स दैट वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द प्रोजेक्ट चार्टर। उसके बाद अब हम प्रोजेक्ट चार्टर को क्यों यूज़ करें, क्या उनसे ऐसे बेनिफिट्स हैं, बेसिकली क्या है, हमें ये फ़ायदा होगा प्रोजेक्ट चार्टर को यूज़ करने का कि हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन किए गए होंगे, क्लियरली डिफाइंड होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी स्टेक होल्डर है, हमारा क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, दीज आर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ आर प्रोडक्ट। आपके पास कौन सी कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, किस पर्सन की, किस मेंबर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, आपके प्रोडक्ट का क्लियरली स्कोप डिफाइन है कि कितना प्रोडक्ट छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, इसमें से क्या चीज़ जो है हमें जो है वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, क्या इनपुट होगी, क्या आउटपुट होगी, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, मीनवाइल कंप्लीट स्कोप शुड बी वेल डिफाइंड। फिफ्थ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर इज दैट कि हमारे पास जो है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस जो है वो वेल डिफाइंड हो गए, ताकि बाद में आने वाली फेजेस में हमें प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद आप इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, हमारे पास एक चीज़ क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बाय इन फ्रॉम प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, आपने क्या करना है कि आपके पास एग्जैक्टली टीम मेंबर्स डिफाइंड हैं और आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट चार्टर अवेलेबल है, सो दिस इज ईजी फॉर यू टू गेट इन दैट, कि आप उससे प्रॉपर बेनिफिट जो है वो गेट कर सकें, टेक कर सकें। सो दीज आर व्हाट वी हैव द बेनिफिट्स। अब हमने आज के लेसन में देखा है कि प्रोजेक्ट चार्टर होता क्या है। बेसिकली ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसको कौन
इसको ऑफिशियली प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली क्या है, ये एक हाई लेवल व्यू है किस चीज़ का, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का, डिलीवरेबल्स का एंड स्कोप का। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर्स क्या होते हैं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट होते हैं। एक आपके पास लिविंग डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि अप टू डेट, वेल मेंटेन्ड, वेल इनिशिएटेड डॉक्यूमेंट है जिसको जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका बनता जाता है आप उसे अपडेट करते जाते हैं, इसीलिए उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। अब एक स्पेसिफिक आपने स्टैंडर्ड इनपुट्स, टूल्स, टेक्निक्स डिफाइन किए जा कि ये करते हैं आप लोग ताकि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट चार्टर आप यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखी है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। मतलब ये है कि हर प्रोजेक्ट चार्टर जो है हर एक के लिए प्रॉपर सूटेबल नहीं होता। सो यू मस्ट हैव द प्रॉपर स्टैंडर्ड इनपुट, टूल्स एंड टेक्निक्स टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, अब आपका जो प्रॉपर एंड वेल मैनेज प्रोजेक्ट चार्टर होता है, बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकें, बना सकें, ठीक है, गाइड कर सकें। आज के लेसन में हमने यही देखा कि प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है और उसके सारे सेक्शंस, उसके टूल्स और उसके बेनिफिट्स। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू एस्क। बेटा आपने आर यू एस्किंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स ना? Yes, ओके, बेसिकली क्या है, बेसिकली ये वो प्रोसेस हैं, प्रोसेस एसेट्स हैं जो कि हमारे किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कौन से प्रोसीजर्स ऑलरेडी वर्किंग है, वो उसका एसेट है। ठीक है, प्रोसेस बेसिकली क्या है, अगर आपका एक ऑलरेडी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आपके पास सेल्स है, आपके पास परचेज है, या आपके पास अटेंडेंस है, या आपके पास एग्जामिनेशन सिस्टम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसके डिफरेंट ऑलरेडी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स जितने होंगे, ऑलरेडी वर्किंग टैम्पलेट्स जितने होंगे, ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ के लिए वो यूटिलाइज किया जा रहा है उसके जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सारे क्या हैं, उसके एसेट्स हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है, ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेसिकली। यस मैम, क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम इसे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में डिस्कस कर लेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर फर्दर भी कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू मैम। जिन स्टूडेंट का मिड रह गया था उनका क्या बनेगा? स्टूडेंट्स का मिड कैसे रह गया, सबका हो गया था? नहीं मैम, कुछ का रह गया था मिड। व्हाट वाज द रीजन?